एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे इन दोनों लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर जमकर लाइमलाइट लूटी थी। हालांकि एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने ये सब सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया था और इस तरह का कदम उठाया था। पूनम पांडे का ये कारनामा ना ही तो आम लोगों को पसंद आया था और ना ही टीवी और बॉलीवुड की हस्तियों को। एलिगोनी, राखी सावंत और संभावना सेठ समेत कई हस्तियों ने पूनम पांडे पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि पूनम पांडे पर मोदी सरकार मेहरबान हो गई है। यूं कहें कि एक्ट्रेस को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए मोदी सरकार के राष्ट्रीय अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पूनम पांडे की जागरूकता अभियान का चेहरा बनने के लिए उनकी टीम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वाकई में पूनम पांडे को सरकार सर्विकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रही है या नहीं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर बयान सामने आ गया है। पूनम पांडे को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कोई विचार नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक्ट्रेस पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब साफ हो गया है कि पूनम पांडे इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर हर किसी को हैरान कर दिया था। हालांकि एक दिन बाद ही पूनम पांडे ने वीडियो जारी कर खुलासा किया था कि वो जिंदा है। एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर कर कहा था, मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए बाध्य महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ। सर्विकल कैंसर ने मुझे दावा नहीं किया, लेकिन दुखद बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो इस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पैदा हुई। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्विकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। मुख्य बात HPV वैक्सीन और शीघ्र पता लगाने वाले परीक्षणों में निहित है। हमारे पास यह सुनिश्चित करने के साधन हैं कि इस बीमारी से किसी की जान ना जाए। आइए आलोचनात्मक जागरूकता के साथ एक दूसरे को सशक्त बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर महिला को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी हो। क्या किया जा सकता है इसके बारे में गहराई से जानने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर जाएं। आइए मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। बताते चले कि पूनम पांडे खबरों में बने रहने के लिए पहले भी विवादित चीजें कर चुकी हैं, जिसके चलते एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन बार बार ट्रोल होने के बाद भी एक्ट्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। बता दें कि पूनम पांडे ने फिल्मों में काम करके कोई खास पहचान तो नहीं बनाई है, लेकिन उन्हें कंगना रनौत के शो लॉकअप में काफी पसंद किया गया था। इस शो में वो काफी दिनों तक टिकी रही थी और दर्शकों ने उन्हें काफी प्यार दिया था। हालांकि फिलहाल एक्ट्रेस के पास कोई खास काम नहीं है और तो और वो सुर्खियों से भी गायब थी। लेकिन मौत की झूठी खबर फैलाकर एक्ट्रेस फिर से चर्चा में आ गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार को पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।